हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। आज हम पालक के बहुत अच्छे, देखिए कितने बढ़िया पकोड़े हैं। और चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पालक के इस तरीके के पत्ते हम तोड़ लेंगे और इनको अच्छे से धो लेंगे। सारे पत्ते एक साइज़ के हो अच्छा है, थोड़े मीडियम साइज़ के लेंगे, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं। तो इस तरीके के हम देखिए पालक के पत्ते, इनको तोड़ के अच्छे से धो लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पालक का पत्ता है। अब हम इन पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन, ये हमने 5 चम्मच बेसन ले लिया। 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल देंगे। चावल का आटा डालने से ये पकोड़े जो है बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, चुटकी भर खाने का सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा हमने बेसन का घोल बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। बेसन में हींग और अजवाइन जरूर डालिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट ठीक रहता है। ये हमने हींग और अजवाइन दोनों को अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए हमारा बैटर कितना बढ़िया, ये बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। ये हमारे पत्ते भी रेडी हैं। चलिए अब पकोड़े बनाते हैं। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। ये है पालक का पत्ता, इसको हमने डुबो दिया बैटर में। इस तरीके से दोनों तरफ से ये बैटर लगा देंगे और इसको डाल देंगे तेल में। ये पालक के पत्ते को दोनों तरफ से बैटर लगाकर ये देखिए ये डाल देंगे तेल में। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान ये पकौड़े हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए फूले फूले, कितने बढ़िया फूले फूले बन रहे हैं। एक बार में कढ़ाई में जितने आ सकते हैं इतने पकोड़े डाल देंगे। अब इन्हें पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पकोड़े रेडी हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, ये गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। इसको आप सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, या आप शाम की चाय के साथ खाइए, या फिर कोई मेहमान आए तो आप तुरंत बनाकर खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है पालक के पकोड़े।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। और हाँ, जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।